हेलो दोस्तों, देवर मम्मीज किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्नेल का रेसिपी। इस रेसिपी के बनाने के लिए हमने पहले स्नेल लिया है। स्नेल की नीचे के पार्ट को हमने थोड़ा सा काट लेंगे, फिर उसके बाद स्नेल को अच्छी तरह से साफ पानी में धोएंगे। हमने सारे स्नेल को धो लिया है। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, लहसुन और फर्मेंटेड फिश। चावल भी चाहिए, चावल को हमने भिगो के रखे हैं। गरम कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। इस बीच हम हरी मिर्च को काट लेंगे और फर्मेंटेड फिश को अच्छी तरह से धोएंगे। यहाँ पर हमने 2 फर्मेंटेड फिश लिया है, आप देख सकती हैं। फर्मेंटेड फिश को भी अच्छी तरह से धोना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हमने बड़ा साइज का ऑनियन भी लेंगे। ऑनियन को हमने स्लाइस करके काट लेंगे, आप देख सकती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, कोई भी बना सकती है इस रेसिपी को और स्वादिष्ट भी है। देखिए कढ़ाई की ऑयल गर्म हो गई है। अभी हम यहाँ पर फर्मेंटेड फिश और ऑनियन डाल दिया है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप चाहे तो ऑनियन को और हरी मिर्च को सबको पहले से काट के रख सकती हैं। यहाँ पर हम अभी स्नेल डाल देंगे, देख सकती हैं आप। सारे स्नेल को हमने डाल देंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया की पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के इसको और 2 या 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, फ्राई हो जाने के बाद यहाँ पर हम अभी पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह से बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। हरी मिर्च काट के रखी है, वो भी डाल दिया है। जो हमने चावल को भिगो के रखी है वो अभी ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड किया हुआ चावल डाल दिया है यहाँ पर। लास्ट में हमें यहाँ पर लहसुन की कलियां को अच्छी तरह से धो के और थोड़ा सा इसका कूट के डाल देंगे। लहसुन की कलियां डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया सा खुशबू आ जाती है। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा पतला या घना नहीं होना चाहिए दोस्तों। हो गई है हमारे रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। किस किस को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, आप कहाँ से देख रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।